हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर। तो आज की वीडियो में एक बार फिर से हम कुछ जो क्वेश्चंस हैं आईएएस के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं वो डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर बात करें जो यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं ईएससी के, तो उसकी हम बात करें, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। हमारा मेन मोटो, हमारा मेन फोकस जो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पर रहता है। कई सारे वीडियोस में हम कई सारे सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम एचएमटी डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि हीट एंड मास ट्रांसफर के जो भी क्वेश्चन है 2010 से लेकर 2017 तक जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले, मैंने इस पीडीएफ में ऐड कर दिए, वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे यहाँ पर देखो, दो लिस्ट आपके सामने गिवन होंगे। एक लिस्ट में आपको नॉन डायमेंशनल नंबर गिवन है और दूसरे लिस्ट में आपको एप्लीकेशन गिवन है, तो उनको मैच करना है। लिस्ट वन भी आपके सामने, लिस्ट टू भी आपके सामने, इनको मैच करना है। और कुछ कोड आपके सामने गिवन है, जैसे यहाँ पर ए कोड, जैसे ए ग्रेश ऑफ नंबर है। तो अगर आपको लगता है कि ए के लिए फोर्स सही है, फोर्स कन्वेक्शन सही, तो आपको ये वाला कोड सही करेक्ट कर देना है। इस तरह से बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह के लिस्ट वन लिस्ट टू वाले क्वेश्चन आपको आई के एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं। और एचएमटी की बात की जाए पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा मिलता है आपको, थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा कम मिलता है। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, 1 2 3 तीन स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है, फोर चार स्टेटमेंट आपके सामने गिवन है। आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो कंडक्शन से रिलेटेड है, तो वो आपको बताना है। यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर होगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मेरा मेन मोटो भी यही है कि आपको मैं क्वेश्चंस बता पाऊँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि कई बार आपको गूगल में क्वेश्चंस नहीं मिलते, कई बार आपको यूट्यूब में वीडियोज़ कम मिलती हैं, ऐसी वीडियो जहाँ पर आपको क्वेश्चन को डिस्कस करेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो जितने क्वेश्चन मैं ला सकता था आपके लिए लेकर आया हूँ सामने, ताकि आपको ईजी रहे, आपको समझ आए कि आई की प्रिपरेशन करना, यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो किस तरह का पैटर्न रहता है क्वेश्चंस को, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सको। ठीक है, अगर आप इनके आंसर की चाहते हो तो आंसर की भी आपको कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन यही है कि जब 2.5K व्यूज़ कंप्लीट हो गए, यानी कि 2500, सिर्फ 2500 व्यूज़ इस वीडियो में जब कंप्लीट हो जाएंगे, आंसर की मिल जाएगा इसका। और अगर आप डिटेल में डिस्क्रिप्शन चाहते हो, डिटेल सोल्यूशन चाहते हो, तो आपको 10,000 व्यूज़ आप जैसे इस वीडियो में आएंगे उसके बाद भी आपको डिटेल सोल्यूशन जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल सॉल्व भी मिल जाएंगे, इनके जो भी डिटेल में सोल्यूशन है कि अगर ये ऑप्शन ये करेक्ट है तो क्यों है, वो सब आपको 10,000 व्यूज़ के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, 10,000 व्यूज़ इसलिए क्योंकि कई सारी वीडियोज़ में अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी मैं आगे की तरफ अच्छे कंटेंट की तरफ बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेजिस्टिविटी अमंग द फॉलोइंग मटेरियल इज़, तो यह ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, आपको जो भी करेक्ट होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दे रहे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है, हीट फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन है, हीट फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आता है एचएमटी का, अगर आप स्टडी करते हो तो बेसिक से ऐसे क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में सबसे पहले ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, तो वैसे ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। आगे चल लेते हैं, यहाँ पर सॉरी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है। उसके बाद चलते हैं फ्लैट वॉल एंड विद थर्मल कंडक्टिविटी, यहाँ पे थिकनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो थिकनेस के रिलेटेड क्वेश्चन भी आप डिस्कस करते ही रहते हो, आप पढ़ते ही रहते हो। जब आप अगर आपका एग्ज़ाम देने जा रहे हो, थ्योरी क्वेश्चन रहता है आपको कॉलेज टाइम में, अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो वहाँ पर भी इस तरह के न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं, तो वही सिंपल बेसिक सा आईएएस में भी पूछा गया है। और आईएएस के क्वेश्चंस करने का बेनिफिट ये कि अगर आप जेई की प्रिपरेशन करते हो तो जेई में जो क्वेश्चंस हैं वो सेम टू सेम यहाँ से उठा के तो वहाँ पर डाल दिए जाते हैं, तो वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे एक्सप्रेशन पूछा गया है कि कौन से एक्सप्रेशन जो है उससे आपको थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में पता लगता है, हीट कंडक्शन थ्रू हॉलोस्फेयर। हॉलोस्फेयर की इक्वेशन आपको करेक्ट बतानी है कि हॉलोस्फेयर के लिए जो हीट थर्मल रेजिस्टेंस वाली इक्वेशन है वो कौन सी करेक्ट है। ए बी सी डी ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, जो भी आपको करेक्ट लगता है आपको ठीक कर देना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वॉल, आपको इस वॉल के जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है वो शो करके बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, बिल्कुल फार्मूला आपसे यहाँ पे पूछ लिया है, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं रहने वाली आपको। आगे चल लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने गिवन है, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कहा गया है एन इंक्रीज इन पिन फिन इफेक्टिवनेस इज कॉज बाय हाई वैल्यू ऑफ, तो किसके कारण होता है ये सब कुछ। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, जो भी स्टेटमेंट वो करेक्ट लगती है वो आपको करेक्ट करके बता दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे फिर से एक थ्योरी वाला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे डायमेंशनलेस क्वांटिटी दैट कनेक्ट्स द लिंक बिटवीन वेलोसिटी फ्लो फील्ड एंड द टेम्परेचर फील्ड इज, आपको बताना कौन से नंबर करेक्ट है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आगे चल लेते हैं, फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है, हीट ट्रांसफर कोफिशियंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एचएमटी के न्यूमेरिकल आसान रहते हैं, थोड़ा थ्योरी मतलब बेकार से लगता है यहाँ पे करने में, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। आगे चल लेते हैं, फिर से एक न्यूमेरिकल आ चुका है यहाँ पे, टेम्परेचर ऑफ द एयर लिविंग द यूनिट विल बी, टेम्परेचर के बारे में पूछा गया कितना होगा, ऑप्शन आपके सामने गिवन है।
आगे चले जाते हैं। फिर से एक न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछा गया है, इफेक्टिवनेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है। इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर विल बी, डाटा आपके सामने गिवन है और आपसे लास्ट में पूछा गया है इफेक्टिवनेस के बारे में हीट एक्सचेंजर की। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से एक न्यूमेरिकल आ चुका है, नहीं ये थोड़ा न्यूमेरिकल है, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन कह सकते हो। तो हीट एक्सचेंजर किस तरह का होगा, डाटा आपके सामने गिवन है, आपको बताना है। आगे चले जाते हैं, यहाँ पे एन टी यू नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट इन हीट एक्सचेंजर इज गिवन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको एक्सप्रेशन बताना कौन सा एक्सप्रेशन के यहाँ पे करेक्ट है। आगे चले जाते हैं, सोलर कलेक्टर में जो फंक्शन है ट्रांसपेरेंट कवर का, वो क्या फंक्शन रहता है उसका। ऑप्शंस आपके सामने गिवन है ए बी सी, जो भी आपको करेक्ट लगता है आपको बता देना यहाँ पर। आगे चल लेते हैं, फिर से एक न्यूमेरिकल आ चुका है यहाँ पे, रेसिस्टिविटी ऑफ द सरफेस विल भी पूछा गया है, डाटा आपके सामने गिवन है। फिर से एक न्यूमेरिकल आ चुका है, टेम्परेचर आपसे पूछा गया है। फिर डायमेंशनलेस टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आपको बताना जो भी करेक्ट आंसर होगा। फिर उसके बाद एक फिर से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ चुका है, आपको बताना कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे चल लेते हैं, यहाँ पर फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है, हीट लॉस पूछा गया आपसे, बाकी डेटा आपको गिवन है। और फिर से एक न्यूमेरिकल आ चुका है, टेम्परेचर ड्रॉप आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल आ चुका है। तो मैंने आपको कहा था कि एचएमटी में ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैक्सिमम मिले होंगे। तो बाकी जितने क्वेश्चन मुझे मिल सकते थे मैंने यहाँ पे ऐड किए, बाकी जब तक 2500 व्यूज़ कंप्लीट होंगे वीडियो के, तब तक हो सकता है मुझे और क्वेश्चन मिल जाए, तो मैं इस पीडीएफ में क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ पर जाके फ्रीली फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। किसी तरह के यहाँ पर मैं आपसे पैसे नहीं मांगने वाला कि यार वो लिंक में क्लिक कर तो इतने पैसे दो, तो आप जाके वो पीडीएफ ओपन होगा, फ्री में आपका पीडीएफ ओपन होगा। बस कंडीशन ये कि 2500 व्यू कंप्लीट हो जाएंगे एक बार, ताकि मुझे लगे कि आपको भी, हाँ यार आपको भी तैयारी करना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो, तो मैं भी और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाऊंगा। बाकी किसी तरह का डाउट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।